लंदन तोरो सांसे। अरे सुना मर्दवा कि जा तोरो लंदन अकामा तोरो सांसे हमें हरू हेने तोहा बतियावत या फोन से कौन आन से तो सलाम कैसन पानी जरा लोग। देखिए आज हम बिल्कुल मुशायरा और शायरी और ना ही कोनो फिलोसफी देवे बानी। आज हम बात कर बानी भैया माननीय सांसद जी के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी चार के ट्रेलर रिलीज हो गल बा। और अगर हम रिव्यू और जाने की कोशिश कर ली कि फिल्म में का बा का निरहुआ हिंदुस्तानी का निरहुआ टू का थ्री और अब आगुल बा चार, तो तीनों चारों में का अंतर बटे और ये फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तुर पाई 1, 2, 3 के, या ये फिल्म ऐसा हुई कि फिल्म सिनेमा हॉल के दरवाजा भी ना लागी। सब कुछ बात कही ली और ट्रेलर का रिव्यू तो जरूर कर ली। चलिए सब कुछ देख जाने खाते हो काम कर चैनल पर आने वाले सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ भैया कर दी। आज जाने के फिल्म के कहानी पर। देखिए फिल्म के कहानी दिखाओ गागुल बा। हाँ फिल्म में कहानी का दिखाओ गागुल बा। फिल्म में कहानी तो है कि मिलो तटे कि भैया रहुआ पहले से बहुत बेहद स्मार्ट हो गए बड़ा गाँव में, स्मार्ट बल्ब की हो गए बड़ा, लेकिन गाँव में आज वो भैंसे चरावे वाला काम करते रहन। हाँ आज भी भैंस चराव तरन और फिल्म में तो अलग अलग बैठे, लेकिन ये फिल्म में देखा बैठे कि भैया भैंस चराव तरन उनका बाइक कहते रहे क्या कहाँ लंदन मंदन जेबे होने एक बुझा मतलब एक खाची गोबर धैल बटे ले खेत में बड़े गए आलू बोआल बटे धनिया बोआल बटे इकुल कोड़ी के जाते रहे लंदन जैसे भी जाते रहे। और लंदन इनका काम ये रहता काम ये रहते इसलिए अयाज खान एगो विदेशी लड़की से प्यार करते रहते और विदेशी लड़की से कितरे मतलब पावे खातिर अलग अलग प्रकार के तरीका अपनावत रहो और प्रवेश लाल भैया हायर करते रहो दिनेश लाल निरहुआ के। अब ये पहुँचा तरन हो जगवा लंदन में विदेशी हीरोइन जन बाड़ी हाँ उनका से भेंट होता सारा लौकी से और सारा लौकी के साथ रहत रहत सारा लौकी के भी प्यार होता इंदिरा, लेकिन नफरत तो शुरू से ही करते रहता रही और पुलिस में भेजवा लेते रही बाद में उनका प्यार होता रहा। एने हमारे पाल यूट्यूब पे दिनेश लाल निरहुआ के बहुत बड़की प्रेमिका रहते रही इसे मोट छोट हो गई बड़ी तक वहीं से प्रेमिका नहीं खिलाते रही चाची लागत रही, लेकिन फिर भी फिल्म में प्रेम करते रहे प्रेमिका ना कहो अब चाची से चाचा के का संबंध हमके नहीं पता। तो भैया हाँ ये भी प्रेम और कैले रहते रही देखा लेते रहे कि ब्याह शादी भी हम लोग आपस में ही प्रेम में कर लेते रहन जा और तो और कह लेते बढ़ जा फिर ये खोजे जाते रही। हाँ ये खोजे जाते ही और थोड़ा सा एमए उनका अलग टाइप के डिफरेंटेड वाला रोल बा हाक लागे बोले वाला बोलते रही कि तो हाँ भैया के ना जल हम ना लिया तल ना आ पाए हम लंदन से तो ए तरह के हमारे बाली दुबे थोड़ा सा बढ़िया ही बार एक्टिंग करते रही ना बाकी मज ठीक बाटे बढ़िया ही वाला बेकार लागत बाटे सही बताओ तनि मतलब तो हम करते नहीं ना तो मतलब लंदन जात दरी घरवा से खोए तरी एने उन्हें एक दिन सड़क पर ही मिल जाते रहा एक दिन सड़क पर मिल जाते रहन ओकरा बाद से उन्हें वो हीरोइन यो हीरोइन फिर दोनों जना में टसन हुई फिर जाके गावे एहन जा ट्रेलर के इंड हो गल बटे मतलब कहीं से भी भैया 3 मिनट कुछ सेकेंड के ट्रेलर देख ले कहीं से भी रोवा लगे ना थ्रिल ना मजा ना मस्ती ना कोनो ऐसा गाना यार कोनो ऐसा गाना ना ना मंजूर ठाकुर फिल्म के लेट डूबल सही बताओ तो नहीं मंजूर ठाकुर फिल्म के बुरी तरीके से निरहुआ के नाम के लेट डूबल और एगो जो हम हमेशा टैग करते रहने एक निरहुआ हिंदू निरहुआ के निरहुआ हिंदुस्तानी वाला हर सीरीज जबरदस्त रहते रहो, लेकिन एक ना एकदम से टपा टप फिनिश कर दिलवा बस टपा टप फिनिश हो गया टाटा बाय बाय गया वो वाला फीलिंग आ रहा है भाई फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद। देखिए एक कहानी की बात कर लिए अब आज लिया हमने क्या फिल्म में बेसिक मेकिंग फलाना ढींचा के बारे में बात कर लिया सब कर बारे में। देखिए दरअसल लोगों की फिल्म में जब भी निर्वाह तनिया वाला मजा आएगा वन के कोनो जवाब ना रहे वन के एगो दू गो सीने में बरियाई घुसेल बन हाँ वन के एगो दू गो सीने में बरियाई मंजू ठाकुर घुसेल बन जैसे कि वन में एगो सीन बटे मचान पर बैठ के गाना वाला जो सीन फलमावल गए बा उस चीज़ के भी दर्शैले बड़न खेती के भी सीन के बरियाई दर्शैले बड़न ये सब चीज़ के न बरियाई ए में मंजू ठाकुर दर्शैले बड़न शायद अरे भैया जो लोग देख चुकल बड़न और यूकर के देख के फिर वही सीन डालते रहो मंजूर भैया जब नया तारा लगे नहीं खेल यार तब ना डाल रहो तो का फायदा रहो हमें हाँ कोनो दोसर क्रिएटिविटी डायरेक्टर ले आ रहे तो लेकिन तार तो फेवरेट भैया डायरेक्टर साहब अरविंद तिवारी भैया जो कहानी लिख दिया ओके तू कैसे काट सकल एकदम ना काट सकल कहें कि ऑस्कर अवार्डेड ना हो सही बताओ तो ऑस्कर अवार्डेड हो
तो फिर काहे कहे बटे तो मतलब दू चार ऐसा सीन बटे जो कि रिपीट बार बार कल गई बटे पुराना फिल्म के ले। अब एमे एगो नया बात ये कैरेक्टर पर बताया कि हीरोइन एगो विदेशी भी है एगो गाँव के भी है, लेकिन एगो गाँव के इतना मोट हीरोइन लिया लगे कौन ना काज रहा है हाँ निरवा हिंदुस्तानी वन में देखी, जब ये हमारे पाली दुबिया रही एकदम स्लिम रही तो फिल्म करता तो जोतल रहे। टू में देखी जब संचिता बनती एकदम स्लिम मस्त खूबसूरत रही कितना गर्जा जोतल रहे। वो ये थ्री देखी जब मोटकी मोटकी सुभी वर्मा सुभी शर्मा और तो मोटकी चाची घुस जाते रही तो फिर का होता है फिल्म बंटादार लागल बनम वह हाल इ फिल्म में भी बटे। अमर पाली दुबे मोटकी चाची बन गई बड़ी बस बस उनका कुछ बुझात नहीं गए एवं में क्लैश करे घुस चुकल बड़ी तो भैया ठीक बाटे अंडरस्टैंडिंग चाहे वो मतलब जोड़ी रहे पहला दूसरा, लेकिन अब सब सब टपा टप हो गए भैया सब टपा टप हो गए। बात कर जाए म्यूजिक के बारे में तो म्यूजिक कहानी में मतलब एगो गाना जौन बाटे ना जौन कि इंडिया से बोला तानी रहुआ हिंदुस्तानी करके हाँ इस बात थोड़ा बहुत शायद ठीक लगा था कहानी के हिसाब से, अन्यथा एवं कोई ऐसा गाना नहीं कि जौन अकेले के कल जा सकल हाँ यार ये फिल्म देखला के बाद फिर से मजा आ जाए वन वाला याद ताजा हो जी ऐसा कतई दूर दूर तक फीलिंग नहीं क्या हो ना। एक्शन तो है ही नहीं के एक्शन तो भाई और कोनो फिल्म मतलब बाटे कोनी में एवरेज है बाटे, लेकिन ना में एक्शन बा ना ही कोनो पंच लाइन ऐसा कॉमेडी दिखा ना ना कहीं का पंच लाइन ना। बाकी हमारे पालक दुबे के बढ़िया बोला प्यार तो बढ़िया वाला जन हकलावे की कोशिश बिल्कुल बनो वो बहुत ही बनावटी लग रहा एकदम बहुत ही बनावटी लग रहा था दूर दूर तक ले। बाकी प्रवेश लाल के भी झलक दिखा थे जबकि उनका दावा कर जाता है कि अपेयर गेस्ट दिखाई दिए वो तो ऐसा ही दिखाए थे तरुण भैया तो फिर अपेयर गेस्ट का मतलब है क्या हाँ ऐसा कौन अपेयर गेस्ट में उनको खासू एंट्री नहीं थी जो उनकी एंट्री होते पठान में संभाल करके एंट्री भाई तो कुछ दमाल भाई ऐसा कुछ भी इनमें एंट्री वेंट्री नहीं थी। बाकी फिल्म में का बटे फिल्म के पुरनका वाला के नाम बटे हाँ वाली पुरनका वाला के नाम बटे और ही कुछ भी इमें नयापन देखे के ना मिली। ये हमारा लगा था कि सबसे ये तीनों पार्ट से भी अगर सबसे बड़का फ्लॉप पार्ट एक कहल जाओ ना तो इमें कोनो दूर आए नहीं के। और हमारा लगा था कि जो हम बात लगातार कर रहे बने के निरहुआ जो निरहुआ के मतलब जब से पार्टी ज्वाइन करन या जब से सांसद बन उनका कोनो ऐसा फिल्म देखे न जौन के लोग हुर्रा बांध के लोग देखे जा सिनेमा हॉल में और वो फिल्म खूब ज़्यादा चल रहा होके तो कौन ऐसा इतिहास उठा के बता दो हमारा के हम देख ली कौन ऐसा फिल्म बटे कुंकरा पार्टी ज्वाइन कैला के बाद फिल्म बढ़िया कैल हो ना। अब एवरेज ही फिल्म कर बन और उनका डायरेक्टर सब भी सीमित भी बढ़न जा भैया के समय कम बटे ना होना में जाए भैया के समय कम बटे पार्टी फंड में जाए वोट वोट महंगे जाएगा तो जौने बाटे जाएंगे ना भैया के निकाल लो कहानी है इधर बटे कम समय में देख लो कहाँ कहाँ के बटे कोई पट 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 निकाल लो भैया के छोड़ तो भैया ऐसे फिल्म ना बनला दिनेश भैया फिल्म ऐसे सच में ना बनला फिल्म को बनाओ खातिर सच में फिल्म ही बने के पड़ला और फिल्म ही पहले रहा अभी फिल्म से बहुत दूर जा चुके पड़ा सच बता दूँ। तो अब हमको नहीं कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ यूनिक धास कुछ गर्दा कर पाए अभी से तो अभी ट्रेलर बटे अब आगे का हुई कैसा हुई कितने कोई कि वक्त और समय बताए। बाकी दिनेश रहुआ की बात कर जा तो दिनेश राणी रहुआ हर बार की तरह वे अपन पुरनका अंदाज में हम काम पस गुल बानी का हो गुल बटे कौना मनुष घड़ी में तो ये तरह के डायलॉग अपन फिर से पुराना एक्टिंग पे रिवाइज कर दिखाई देते रहो कौन नया ऐसा नहीं कर दिखाई देते कि मैं कुछ अलग टाइप के कुछ करके दिखाई देते रहूँ ना कतई ना। बाकी थोड़ी बड़ा बड़ा पीक लगा पड़न और बस 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 बाकी हमारी कल का बताएं फिल्म के बारे में जितना कम बात कर लिया शायद उतना ही फायदा रहे हाँ शायद उतना ही फायदा रहे क्योंकि हमारा अगर देखा जाओ तो भोजपुरी में जही तक फिल्म के सीरीज में से एगो ये करो हाँ सच भाई ये फिल्म जब से जैसा नहीं होगा कि बहुत सारा चीज़ देखे के मिलल बहुत सारा चीज़ लोग फैन नया नया भी जुड़ल भोजपुरी में हाँ यार वो फिल्म बटे मजा आ होता मतलब कहीं से भी फील नहीं किया होता लगा था कि हाँ देखिए वो क्रिएटिविटी ना शायद ये फिल्म में दूर दूर तक लेना जाना क्या ना कतई ना। बाकी बस वीडियो में इतना ही और हम आए गए देखते रहें निश्चित भोजपुरी रिव्यू कैसा लगा बताएं बाकी हम जी।